क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। क्या होता है द्विघात समीकरण और इस पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। दोस्तों द्विघात समीकरण जो होता है ये टॉपिक क्लास 10 से शुरू होता है, 11th में और 12th में, और जो आपकी पॉलिटेक्निक है या ITI जो परीक्षाएं हैं इनमें भी, जो पात्रता परीक्षा होती है इनमें भी पूछा जाता है। तो आइए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझते हैं। द्विघात समीकरण, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि द्विघात समीकरण, जिनमें दो घात मैक्सिमम होता है वेरिएबल की, उन्हें हम द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन इनमें भी कुछ इसके आधार है। द्विघात समीकरण, देखिए समीकरण क्या होता है, समीकरण में बेसिकली आप हमेशा दो चीज़ें पाएंगे, एक तो कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलती है, सभी सिचुएशन में सेम होती है, और वेरिएबल जिसकी वैल्यू जो चेंज होती रहती है, हमेशा चेंज होती रहती है, वो चाहे जैसा वेरिएबल हो, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, तो वेरिएबल की वैल्यू हमेशा बदलती रहती है और कांस्टेंट की वैल्यू कभी नहीं बदलती। तो इन दो चीज़ों को हमेशा आपको जान लेना है, फिर आप इक्वेशन आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि हमने अगर बोर्ड पर लिख दिया एक ऐसा इक्वेशन कि 4x² + 5x + 1 = 0, और वहीं पर हमने लिख दिया 4x + y + 1 = 0। अब हम आपसे पूछें कि इनमें कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इनमें द्विघात समीकरण, देखिए आप तो आपको लग रहा होगा कि दोनों द्विघात समीकरण है, क्योंकि इनमें भी x की मैक्सिमम वैल्यू तो है और इनमें भी। लेकिन अगर आपको द्विघात समीकरण देखना है और जानना है तो इनके पीछे आपको दो चीज़ें चेक करनी होती हैं। पहला तो उनमें जो है हमेशा वेरिएबल जो होनी चाहिए वो एक राशि वाला वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि उनमें एक राशि होनी चाहिए, दो राशि या तीन राशियों का समावेश नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x है तो x ही होना चाहिए और अगर y है तो y ही होना चाहिए। अगर x है तो x चर राशि वाला द्विघात समीकरण कहा जाएगा, अगर y है तो y चर राशि वाला समीकरण कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर x और y दोनों का समावेश हो गया, इसलिए ये आपका द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा और ये आपका द्विघात समीकरण होगा, इसलिए कि इनमें सिर्फ एक ही प्रकार के वेरिएबल हैं। इसलिए द्विघात समीकरण होने के लिए उनकी मैक्सिमम पावर की जो वैल्यू है, घात की वैल्यू है, वो दो होनी चाहिए, और उनकी जो वेरिएबल हैं उनमें जो चर राशियाँ होती हैं वो या तो x हो या वाई हो, एक ही प्रकार का होना चाहिए। अब देखिएगा, पहला इसकी पहचान होती है, तो आपने पहचान लिया कि कौन द्विघात समीकरण होता है। अब आप ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, द्विघात समीकरण में कितने पद हो सकते हैं। देखिए द्विघात समीकरण में आपने जान लिया कि इनकी पावर कितनी होती है, मैक्सिमम दो, अगर तीन पावर हो जाएगा तो तीन घात वाला समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, दो घात वाला, चूँकि सिलेबस में दो होता है और 11th 12th में सिर्फ तीन चार राशि और चार चार राशि वाली होती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इनमें कितने पद हो सकते हैं। जब भी आपकी पद की बात आएगी कि द्विघात समीकरण में मैक्सिमम कितने पद हो सकते हैं, तो पद की बात जितनी पावर होती है उनसे एक ज़्यादा हमेशा पदों की संख्या होती है। यानी कि अगर दो घात समीकरण वाला है तो उनमें कितने पद होंगे, तीन पद होंगे। वहीं अगर चार घात वाला समीकरण होगा तो उनमें कितने पद हो जाएंगे, एक ज़्यादा, पाँच पद होंगे। तो द्विघात समीकरण में हमेशा मैक्सिमम पदों की संख्या कितनी हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है। अब देखिएगा इनमें कितने पद हो सकते हैं, क्या तीन ही हमेशा होंगे। तो अगर हम यहाँ पर एक को मिटा दिया और फिर इसको मिटा दिया तो यहाँ कितने पद होंगे, यानी कि ये एक चला एक पद वाला द्विघात समीकरण होगा। ऐसे दो पद होंगे तो दो, तीन पद वाला द्विघात समीकरण भी हो सकता है, तीन पद से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये हो गई आपके पद की बात। अब अगला हम समझते हैं कि इनमें पावर कितनी होती है, मैक्सिमम पावर दो। तो इनकी हमेशा जितनी पावर होती है, जो भी समीकरण होगा द्विघात समीकरण होगा, उनकी पावर मैक्सिमम जो होती है उतनी ही उनके मूल मानों की संख्या होती है। मूल मान क्या होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 4x² + 5x + 1 = 0, तो यहाँ पर मूल मानों की संख्या कितनी हो सकती है। तो मूल मान वे मान कहलाते हैं जो उस वेरिएबल में, यानी कि x की पावर ऐसी, x की घात यहाँ पर ऐसी रख दी जाए कि इस समीकरण में LHS और RHS बराबर हो जाए। तो RHS यहाँ पर क्या है, 0। तो इनमें x की वैल्यू ऐसी रख दी जाए और इसको फाइंड आउट हल किया जाए तो इसकी वैल्यू बराबर हो जाए। तो हमेशा मूल मानों की संख्या कितनी हो सकती है,
तो मूल मानों की संख्या हमेशा याद रखना मैक्सिमम आपकी संख्या कितनी हो सकती है, मूल मानों की संख्या दो हो सकती है। तो अब आपने ये जान लिया कि इनमें पद कितने होते हैं, मैक्सिमम तीन और मूल मानों की संख्या हो सकती है दो। अब अगला हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण का, द्विघात का मानक समीकरण। तो यहाँ पर मानक समीकरण किसे कहते हैं, देखिए मानक समीकरण यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको कैसे लिखते हैं। जब भी किसी चीज को हम हल कर, कोई भी इक्वेशन को हल करते हैं तो उसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में रखते हैं, या तो उसको उसके पावर के असेंडिंग फॉर्म में या डिसअसेंडिंग फॉर्म में रखें। जैसे अगर यहाँ पर देखें तो इनका जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जो है मानक समीकरण होता है। इसका क्या मतलब होता है कि इनको इनके पावर के घटते क्रम में जब लिख देते हैं तो उन्हें द्विघात का मानक समीकरण कहा जाता है, यानी कि उनके स्टैंडर्ड फॉर्म इसका कहा जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि सवाल को एक नंबर में जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उनमें ये पूछ लिया जाता है कि मानक समीकरण के रूप में इनमें से कौन सा मानक समीकरण के रूप में है, तो उनमें आपको पावर चेक करना है। जैसे यहाँ पर देखिए दो पावर है, यहाँ पर इनको और कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0, तो इनको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0, तो यहाँ पर इनको तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन जो मानक समीकरण जब आपको पूछने को आएगा तो हम इनके पावर को घटे क्रम में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर पहले पावर 2 है, फिर यहाँ पर इसकी पावर 1 है, फिर यहाँ पर कोई भी पावर नहीं, इसको 0 मान सकते हैं। तो ये आपने समझ लिया कि द्विघात समीकरण का मानक समीकरण क्या होता है। अब देखिए आगे समझते हैं कि इनमें पदों की संख्या कितनी होती है, आप समझिए तीन। तो यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो एक्स स्क्वायर के बगल वाला जो होगा, एक्स स्क्वायर के बगल वाला जो गुणांक होगा उसे हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे, और x का जो गुणांक होगा उसे हम क्या कहेंगे, b कहेंगे। बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, जो कोई भी संख्या माइनस में या प्लस में हो सकती है, वो कोई भी संख्या, तो ये कोई भी संख्या हो सकती है। अब देखिएगा, आपने ये देखा कि ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो अब ये ऐसा क्यों होता है, जब भी हम किसी भी द्विघात समीकरण को हल करेंगे तब हम उनके मानक समीकरणों के रूप में रख के ही हल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आप प्रश्न हल करते हैं कक्षा 6 से ही इनको हल करते हैं, तो इनमें आपने क्या देखा है कि इनको हल करने के लिए प्रथम पद को यानी एक्स स्क्वायर वाले को यहाँ पर अचर पद वाले से कांस्टेंट से गुणा करते हैं और फिर उनको ऐसा तोड़ते हैं कि बीच वाले के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर को 4x स्क्वायर 1 से गुणा किया, 4x स्क्वायर है, अब इनको ऐसा तोड़ दो कि बीच वाले के बराबर आए, तो 4x स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हो, 4x प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, इतने तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए इनमें दो दो चार पद बन गए, अब इनमें हमने कॉमन ले लिया 4x, तो यहाँ पर बन गया x प्लस 1 बचा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों पदों में कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन होगा, x प्लस 1 बराबर ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिख लिया हमने, 4x प्लस 1 और दूसरे में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक बार हम ले लेंगे, एक बार 4x प्लस 1 बराबर 0, तो 4x यहाँ पर रोक लेगी, 1 उधर जाएगा माइनस में, x बराबर माइनस 1 अपॉन 4। और अगर एक बार हम लेते हैं x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 1, यानी कि x की कितनी वैल्यू निकल कर आई, दो वैल्यू, एक माइनस 1 अपॉन 4, एक माइनस 1। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि इनके मूल मानों की संख्या कितनी हो सकती है, दो, तो दो मूल मान आए माइनस 1 अपॉन 4 और x बराबर माइनस 1। तो ये दो मूल मान वे मान हैं, यानी कि ये x के वे वैल्यू हैं जो इस समीकरण में अगर रख देंगे तो LHS और RHS बराबर हो जाएगा, यानी कि ये इस समीकरण को, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, ये दो वैल्यू। अब देखिएगा ये तो आप सीखते आए हैं क्लास 7 से ही, ये सिखाया जा रहा है, लेकिन जो क्लास 10th में जो रखा गया है इनको हल करने का, वो एक अलग मेथड है। देखिए यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर जो है, अगर इस तरीके से एक दे दी जाए इक्वेशन कि 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 7x प्लस 1 बराबर 0, अब इस द्विघात समीकरण को हल कीजिए, तब यहाँ पर क्या होगा कि 4x को यहाँ पर उस विधि से जब हल करेंगे तो ये हल नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ये मैथड जो है फेल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर दूसरी मैथड को जो है निकाला गया कि अब मूल मान कैसे निकाला जाए। तो आइए उस मेथड को देख लेते हैं, तो उस मेथड को देखेंगे, लेकिन प्रश्न हमारा यही होगा,
यहाँ पर 5x ही होगा, ताकि आपको ये भी देख लें कि ये वैल्यू सेम आती है या नहीं आती। तो आइए उस वैल्यू को देखते हैं, उस फार्मूले को देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये आपका जो फार्मूला होता है वो माइनस बी यानी कि x की वैल्यू x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी कि ये आपका फार्मूला है। इसको उमर खयाम या श्रीधाराचार्य विधि भी कहते हैं, जिनकी ये खोजी हुई निकाली हुई विधि। अब देखिएगा क्या करेंगे। अब जैसा कि हमने शुरुआत में बताया एक्स स्क्वायर के गुणांकों को ए, एक्स के बगल वाले को बी, बाकी जो बचा सी, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू पहले यहाँ पर हम पता करते हैं, ए की वैल्यू 4 होगी, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू हो जाएगी 1। अब इनमें हम रख देते हैं और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बी की वैल्यू देखिए माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू आपकी कितनी है 4 और सी की वैल्यू 1 अपॉन 2 और ए की वैल्यू आपकी है 4। इसको हल करेंगे माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 16 और यहाँ पर हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पर आप इसको जानते हैं माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर 25 में से 16 गए 9 पावर मूल 3 अपॉन 8। अब यहाँ पर देखिए दो बार प्लस माइनस, प्लस माइनस यहाँ पर होता है, यानी प्लस माइनस किस लिए होता है, दो वैल्यू आती है, एक प्लस में एक माइनस, एक बार जोड़ेंगे यानी कि टेकिंग प्लस, यानी कि एक बार प्लस लेंगे पर टेकिंग प्लस, तो यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ पर माइनस प्लस 3 अपान यहाँ पर 8 और 5 में से 3 गए माइनस 2 अपान 8 और इसको करेंगे माइनस 1 अपान 4 आ जाएगी। और जब यहाँ पर टेकिंग माइनस तो माइनस 5 और यहाँ पर माइनस 3 अपान 8, माइनस 5 माइनस 3 8 हो जाएगा, 8 अपान 8 माइनस 1। यहाँ पर देखिए इस विधि से जो आप सीखते आए हैं इससे भी वही वैल्यू निकल कर आई और इस विधि से भी ये निकल कर आई। दोस्तों इस विधि में क्या होगा कि अगर यहाँ पर अगर 7 रख दिया जाए, कोई और वैल्यू रख दी जाए, तो इसको हल करना आसान नहीं होगा, इसे हल नहीं कर पाओगे, इस विधि से नहीं निकल पाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख दी जाए, यहाँ पर चाहे उसका फैक्टर ना बने, फिर भी इस विधि से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट जो है कि कैसे लगाया गया और कितना, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।